नमस्कार। कई दिनों से आप लोगों का इंतजार था कि केले में रस्सी कैसे बांधी जाती है, इसकी वीडियो बनाई जाए। तो आज वीडियो बन रही है। आप सब जानेंगे कि केले में रस्सी कैसे बांधी जाती है। दरअसल जब हम पहले खेती किया करते थे तो उस समय हम बांस का प्रयोग करते थे जो फल रोकने के लिए, क्योंकि केला जो होता है ये पत्तों का पेड़ होता है, तो इस वजह से इतनी मजबूती उसमें रहती नहीं है कि 40 किलो 45 किलो 35 किलो 30 किलो ऐसे जो फल लगते हैं इनको वो रोक सके। तो उसके लिए जो है बांस लगाया करते थे, लेकिन बांस जो होता था हमारा एक एकड़ में लगभग 25,000 से 30,000 रुपए का लग जाता था, जो 2 से 3 साल ज्यादा से ज्यादा चलता था। और उसमें समस्या ये भी आती थी कि एक तो लागत ज्यादा और दूसरे वो छोटा बड़ा हो जाता था, हर जगह वो सेट नहीं हो पाता था। तो बाद में हमने सोचा क्यों ना इसका रस्सी से सहारा लिया जाए, तो उसके बाद फिर रस्सी का इस्तेमाल किया जाना शुरू किया गया। तो रस्सी किस तरह से आप बांधेंगे ये हम आपको आगे बता रहे हैं, और ये जो है एक साइंटिफिक वे में हम बताएंगे, मतलब वैज्ञानिक विधि से कि किस तरह से ये कार्य करता है। तो इस चीजों को देख करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में अपनी लागत को कम कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि कौन सी रस्सी लगेगी और कैसे बांधा जाएगा। देखिए ये हमारा जो शर्ट है ये जो है केले की खेती में ही हम इसको पहनते हैं। दरअसल बात ये है कि केले की खेत में अगर आप जाते हैं ना तो इसका जो पानी होता है ये लग जाता है, तो आपका कपड़ा खराब हो जाता है। इस वजह से हम ये शर्ट पहने हैं। दरअसल आज थोड़ा काम भी करना है तो शर्ट खराब हो जाते हैं। अब आप एक अपना ड्रेस बना लीजिए अगर केले की खेती कर रहे हैं या केले के खेत में जा रहे हैं, तो ये सावधानी बरतिए, नहीं तो आपका कपड़ा खराब हो जाएगा। और इसकी जो दाग लगती है कोई भी जो डिटर्जेंट पाउडर होता है निर्मा होता है वो नहीं छुड़ा सकता है इसको, तो आप ये सावधानी बरतिए। अब देखिए इसमें ये जो हथियार है ये इतना उपयोगी है कि अगर आप खेती कर रहे हैं केले की तो ये तो जरूर रखिए, क्योंकि इसके बगैर एक मिनट भी नहीं चलने वाला है। अब इसकी उपयोगिता के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल ये जो रस्सी आप देख रहे हैं ये पैरासूट की रस्सी है और ये 140 रुपए किलो मिलती है। आप इसको ले लीजिए और ये काफी मजबूत होती है। ये रस्सी है जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ये, और यही रस्सी रहेगी बांधने के लिए। और यहाँ पर आप देखिए ये जो रस्सी है ये फैलती नहीं है, ये रस्सी फैल नहीं रही है, ठीक है। तो आप जो है इसका इस्तेमाल कीजिए, ये काफी अच्छी होती है। और जो रस्सियां होती हैं वो फैल जाती हैं या टूट जाती हैं धूप वगैरह लगने की वजह से, लेकिन ये जो रस्सी है कितना पानी लगे कितना भी धूप लगे ये कभी नहीं टूटने वाली है, और आराम से आपका ये जो है 4 साल 5 साल आराम, एक बार खरीद लेंगे 4-5 साल आराम से आपका चलेगी। आप पेड़ में बांधिए उसके बाद छोड़ के रख दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे बांधना है ये बताया जाएगा। तो फिलहाल अब देखिए ये पेड़ लंबा है, तो इसके लिए जो है हमने एक स्टूल ले लिया है, आप यहाँ पर स्टूल देख सकते हैं। अब ये होता है ये स्टूल पे हम ऐसे चढ़ जाते हैं, और उसके बाद अब यहाँ पर देखिए ये जो फल लगा हुआ है, अब फल इस तरफ लगा है तो हमेशा जिस तरफ फल लगेगा उसी तरफ ये झुकेगा। अब पेड़ क्या है कि ये इस तरह से झुका हुआ है, ठीक है। तो अब रस्सी यहाँ बांधी जाएगी। अब एक चीज यहाँ पर और ध्यान देने वाली है, अब देखिए जैसे ऐसे है तो कुछ लोग यहाँ से बांध देते हैं तो इतना लोड नहीं लेगा आपका। जैसे यहाँ से फल लटका हुआ है, जैसे आप देखिए ये ऐसे घूम गया है, तो आप यहाँ पर बांधेंगे, ठीक है। यहाँ पर बांधने का मतलब ये होता है कि जो गुरुत्वाकर्षण होता है ये यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। अगर यहाँ बांध देंगे तो गुरुत्वाकर्षण यहाँ से इसको तोड़ देगा, तो आप यहाँ ना बांध करके यहाँ बांधेंगे सबसे। अब यहाँ पर लगभग 3 से 4 पत्ते या 5 पत्ते आप ले करके बांधिए तो आपका जो फल ये सुरक्षित रहेगा। और हाँ, इसमें जो है कीड़े भी लगते हैं, तो जो कीड़ा होता है उसमें छेद कर देता है, और जब इसमें ये मोटा वाला जो भाग होता है मूसल भाग अंदर का वो, उसमें अगर कीड़ा लग जाएगा तो आपका जो ये टूट जाएगा, जब वजन बढ़ेगा वो टूट जाएगा। रस्सी बांधे रहेंगे फिर भी, तो आप रस्सी बांधने के सिवाय जो है आप प्रोफेक्स सुपर करके एक दवा आती है, अगर ये नहीं मिल रही है तो उसका सूत्र जो है हम लिख के आपको यहाँ पर दे रहे हैं, आप ले लीजिए। जब आपको लगे कि इसमें जो कीड़े लग रहे हैं ये पत्ते टूटते हैं तो यहाँ पर भी जो है सड़न आ जाती है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफी सुरक्षित तरीका होता है
तो जिससे आपके फल की क्वालिटी अच्छी होती है, इसमें दाग धब्बे भी नहीं आते हैं, आपका ये पेड़ मजबूती पकड़े रहता है। तो ये जो आपका सवाल होता है कि हम कहाँ से रस्सी बांधेंगे, तो रस्सी आप यहीं से बांधेंगे। अब आप यहीं से बांधिएगा तो यहाँ से जो होता है ये आपका बहुत बढ़िया से लोड लेगा। तो ये जो रस्सी है नाइलॉन की, यहाँ पर एक सिरे पर आप इसको बांध दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूरी लगभग ये 10 इंच की दूरी है जहां से पौधा मुड़ रहा है, और लगभग 3 से 4 पत्तियां हैं। तो यहाँ पर अब जो ये बांधा जाएगा, अब जो बांधा जाएगा तो जो लोग यहाँ पर कार्य करते हैं अब वो लोग आपको बताएंगे कि वो बांधने की विधि क्या है, ठीक है। तो अब आप लोग देखते रहिए, लगाओ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो 4-5 पत्ते के करीब लेकर के वो बांध रहे हैं, और जो बांधने का तरीका है आप देख लीजिए, ये देखिए वो जो है बांध दिए हैं उसको। अब यहाँ पर खींचा जाएगा इसके विपरीत दिशा में, क्योंकि जो ये फल लगा हुआ है ये पश्चिम दिशा में गया है, तो हम जो बांधेंगे इसको पूरब की दिशा में ले जाएंगे जहां पर सीधा पड़ेगा। और दूसरा जो पेड़ होता है उसके यहीं पर बांधा जाएगा, जैसे नीचे से लगभग 1.5 से 2 फीट की दूरी पर बांधेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि पौधे में अस्थायित्व तो काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये काफी सुरक्षित होता है यहाँ पर बांधना। अब इस पौधे के पास जितनी रस्सी की आवश्यकता पड़ती है उसको काट लेते हैं, और उसके बाद अब यहाँ पर एक लोग लपेटेंगे इस रस्सी को, और दूसरे लोग जो है वहां पर पेड़ को हल्का सा धक्का देंगे ताकि जो रस्सी है उसमें तनाव आ सके। तो अब देखिए इसमें तनाव किस तरह से दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, आप सब यहाँ पर देखिए। हाँ, लगाइए रस्सी को। अब देखिए यहाँ पर रस्सी टाइट कर रहे हैं, और यहाँ पर ये इतना धक्का दे दिए जिससे रस्सी में तनाव आ सके। ज्यादा धक्का भी नहीं देना है, नहीं तो पेड़ टूट जाएगा। और टाइट करो। अब जब यहां पर बांध दिया गया है इस तरह से, तो जब खोलना रहेगा तो इसको खींच लेंगे और ये आसानी से खींच जाएगा, और ये जो इस पे तनाव आता है उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। अब आप इस रस्सी में देख सकते हैं कि कितना तनाव आ गया है, काफी अच्छा तनाव आ गया है रस्सी में, और जो अब आपका फल है ये पेड़ से नहीं गिरेगा। देख लिया लग रहा है डायरेक्ट चुका था। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर रस्सी बंध गई है, और ये जो है उत्तर की तरफ झुका हुआ है फल, और ये जाएगा दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण की तरफ ये फल लगा हुआ है, और यहाँ पर पौधे को हल्का सा धक्का दे देते हैं, ज्यादा धक्का नहीं दिया जाएगा नहीं तो फल टूट जाएगा, पेड़ ही टूट जाएगा, तो उससे आप समस्या हो जाएगी। अब ये जो धक्का दे करके रस्सी को बांध दिए, और अब ये पौधा पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर बहुत तेज आंधी या प्रलय वगैरह नहीं आता है तो ये गिरता नहीं है, अब उस तरह से अगर आ जाए तो बात ही अलग है भाई। अब आप देखिए इस तरह से ये बांधा गया, और बाद में जब इसको छोड़ना रहेगा जस्ट इसको खींच लीजिए और पूरा खुल जाएगा, और कोई भी दिक्कत नहीं होती है, कोई भी फर्क इससे नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर आप एक चीज और देख सकते हैं कि एक पेड़ में तो ये तो बंध गया, एक ही रहेगा, और यहाँ पर जो है अब 1, 2, 3 बंध गया या 4 बंध गया उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक पेड़ में नीचे जो है लगभग 2 फीट के अंदर में आप बांध सकते हैं, और चाहे जितना बांध सकते हैं, चाहे जितना का मतलब 4 ही 5 आता है,
तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह आप देख सकते हैं सभी फलों में, सभी पेड़ों में बांधा गया है, जहां पर जो जैसा सीध पड़ता है आप उसको अपने हिसाब से देख लीजिए और उसी के हिसाब से बांध दीजिए। सभी पौधों में ऐसे ही बांधा गया है। अगर सीधान थोड़ा दूरी में पड़ रही है तो आप दूरी में लेकर के बांध दीजिए। अब यहाँ पर भी देखिए एक पेड़ में तीन बांधा गया है और ये रस्सी भी थोड़ा दूर आ गई है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और उम्मीद करते हैं आप ये चीज देख करके सीख लिए होंगे और कोई भी जो दिक्कत होगी आपको बांधने से संबंधित वो खत्म हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा और आप शेयर कीजिए और किसानों को बताइए। साथ में अगर आप ये सब वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।